इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पीसी में ब्लूटूथ एडेप्टर को कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो कई सारे में जो पीसी में ब्लूटूथ की ज़रूरत पड़ती है, जो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, जो ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको पीसी में ब्लूटूथ एडेप्टर को कैसे कनेक्ट करना है और उसमें कैसे यूज करना है, तो जितना जो प्रोसेस है तो सभी प्रोसेस आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे इस तरह की वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो मेरे भाई, मैंने पीसी को ओपन कर दिया है तो स्क्रीन पर देख लीजिए कि इस हमारा जो पीसी है, तो पीसी में हमें जो ब्लूटूथ डिवाइस है उसको हमें कनेक्ट करना है और उसमें हमें डिवाइस को कनेक्ट करना है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि मैंने ब्लूटूथ जो एडेप्टर है वह मैंने ले लिया है। तो आपको सबसे पहले कनेक्ट करने के लिए जो सीपीयू है, तो सीपीयू में यूएसबी पोर्ट है तो उसमें आपको कनेक्ट करना है, उसमें आपको लगा देना है। तो चलिए इसे हमारा जो ब्लूटूथ एडेप्टर है उसको मैं सीपीयू में कनेक्ट कर देता हूँ। और कनेक्ट करने के बाद जो इस हमारा पीसी की स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे भी देख लीजिए कि टास्क बार पट्टे में ब्लूटूथ का आइकन है वही हमारा शो हो गया है, तो हमारा सही से कनेक्टेड हो गया है। तो चल मैं पीसी की स्क्रीन ओपन करके आपको सभी प्रोसेस है वही मैं बता देता हूँ। तो गाइस, मैंने पीसी की स्क्रीन ओपन कर दिया है और जो टास्क बार पट्टे में ब्लूटूथ का आइकन भी शो हो रहा है, लेकिन आपका पीसी में जो ब्लूटूथ एडेप्टर आपने कनेक्ट किया है लेकिन उसमें शो नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे पहले ड्राइव को चेक करना है कि हमारा पीसी में ब्लूटूथ का ड्राइव है वही हमारा इंस्टॉल है या नहीं है, तो आपको सबसे पहले चेकआउट करना है। तो कैसे चेकआउट करना है, तो आपको सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो चल मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको उसमें डिवाइस मैनेजर होता है वही आपको ओपन करना है। तो चलो मैं सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन कर देता हूँ और कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आपको उसमें डिवाइस मैनेजर है वही आपको ओपन कर देना है। और ओपन करने के बाद जो ब्लूटूथ का ड्राइव है उसको मैं चेकआउट करना है कि हमारा पीसी में इंस्टॉल है या नहीं है। तो चलो मैं सबसे पहले मैक्सिमाइज पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद अभी देख लीजिए कि हमारा पीसी में जो ब्लूटूथ का ड्राइव है वही हमारा सही से शो हो रहा है, जो हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इस वजह से हमारा शो हो रहा है। लेकिन आपका पीसी में ब्लूटूथ का जो आपने एडेप्टर कनेक्ट किया है लेकिन ड्राइव शो नहीं हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको ड्राइव को सबसे पहले इंस्टॉल करना है। तो कैसे इंस्टॉल करना है, तो इस वीडियो के लिंक आपको आई बटन पे और एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे, तो उसमें जाके देख सकते हो। लेकिन हमने जो एडेप्टर को कनेक्ट किया है लेकिन हमें किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हो, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, स्क्रीन पे देख लीजिए कि जो टास्क बार पट्टी है, तो इस पट्टी में ब्लूटूथ का आइकन पे आपको माउस से राइट साइड क्लिक करना है, क्योंकि हमें किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो एडेप्टर होता है वह हमने कनेक्ट किया है, तो उसको हमें किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आपको ब्लूटूथ का आइकन पे माउस से राइट साइड क्लिक करना है और आपको ऐड ब्लूटूथ डिवाइस है उसमें आपको आना है। तो आपको कई सारे डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, जो फोन है, कंप्यूटर है, जो प्रिंटर है, कई सारे जो ऑडियो वीडियो है तो उसमें आपको कनेक्ट कर सकते हो। तो चल मैं फ़ोन को कनेक्ट करके आपको बताने वाला हूँ, ब्लूटूथ स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हो। तो चल मैं फ़ोन पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद हमारा मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन है तो हमारा मोबाइल शो हो रहा है। तो चलिए इस मोबाइल पे हम क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मोबाइल में हमारा जो एक मैसेज होगा एक्सेप्ट का, तो एक्सेप्ट करने के बाद आपको यस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो हमारा जो मोबाइल है वही हमारा कंप्यूटर में कनेक्टेड हो गया है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा सही से कनेक्टेड हो गया है। तो गाइस, आपको इस तरह किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर में कनेक्ट करना है ब्लूटूथ के, तो आपको इस तरह एडेप्टर की मदद से आसान तरीके कनेक्टेड कर सकते हो। तो मैंने मोबाइल को कनेक्ट किया वही हमारा सही से कनेक्टेड हो गया है, लेकिन हमने जो कनेक्ट किया है वही आपको देखना है। तो आपको ब्लूटूथ का आइकन है उसमें आपको माउस से राइट साइड क्लिक करना है और उसमें जो शो ब्लूटूथ डिवाइस है उसमें आपको क्लिक करके जो भी आपने डिवाइस को कनेक्ट किया है वही आपको देखना है। तो उसमें आपको आसान तरीके देख सकते हो, तो जो भी हमने मोबाइल को कनेक्ट किया था वही हमारा मोबाइल में शो हो रहा है, लेकिन आपको एड डिवाइस पे क्लिक करके
किसी भी स्पीकर को कनेक्ट करना है, ऑडियो वीडियो को कनेक्ट करना है, तो ब्लूटूथ से आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो गाइस जो जितना प्रोसेस था वह मैंने आपको लाइव प्रूव करके कंप्लीट बता दिया है कि कंप्यूटर में जो पीसी में आपको ब्लूटूथ डिवाइस है वही आपको कनेक्ट करके कैसे यूज कर सकते हो। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।